यह है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन जिसका नाम है स्मार्ट 2 और ये हैंडसेट खास करके रेडमी 5A को टक्कर देने वाला है। ये जो हैंडसेट है ये डुअल वोल्टेज सपोर्ट करता है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस हैंडसेट के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन जो उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है स्मार्ट 2। ये है इसका बॉक्स पैक और यहां पर आप देख सकते हैं ये 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। अब ये अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग है, काफ़ी छोटा है और ये जो हैंडसेट है जैसे कि मैंने कहा ये रेडमी 5A को टक्कर देने वाला है। 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के स्क्रीन के साथ में आता है। इसमें मीडियाटेक क्वाडकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जो डुअल वोल्टेज सपोर्ट करता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन है। एंड्रॉयड ओरियो रन कर रहा है और इसमें 3050 mAh की बैटरी है। ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है और सार वैल्यूज़ भी बॉक्स पर आपको दिख जाएगा। और एक और चीज़, बॉक्स के ऊपर जो MRP प्राइस है वो मेंशन किया हुआ है 6,999 रुपये। अब इसका जो प्राइस है वो मैंने टाइटल में मेंशन किया हुआ है। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 स्मार्टफोन। देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या मिलता है। तो इस प्रकार की पैकिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डेटा केबल। ये USB टू माइक्रो USB डेटा केबल है और इसके अलावा आपको यूज़र मैनुअल मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, ये देखिए। और जो अंतिम कंटेंट है वो है ये ट्रैवल चार्जर। ये जो ट्रैवल चार्जर है इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट्स 1.2 एम्प्स। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 इस प्रकार का दिखता है। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। इसकी बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है, कर्वी डिज़ाइन है और पीछे ऐसा लगता है जैसे कि डुअल कैमराज है, लेकिन डुअल कैमराज नहीं है, सिंगल कैमरा है और साथ में फ्लैश दिया हुआ है। और ये जो कैमरा का मॉड्यूल है थोड़ा सा बाहर की तरफ है, कर्वी डिज़ाइन है जैसे कि आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो लुक एंड फील है काफ़ी अच्छा है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जो स्पीकर वेंट है, स्पीकर आउट जो है वो पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है। आगे से इस प्रकार का दिखता है। 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का स्क्रीन है। इस फैक्ट्री फिल्म को मैं निकाल देता हूँ और देख सकते हैं कि उसके बाद ये स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है, फैक्ट्री फिटेड स्क्रीन गार्ड। इसे मैंने ऑन कर दिया है। XOS रन कर रहा है जो एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड है। बटन्स के बारे में बता देता हूँ। यह है पावर बटन, देख सकते हैं कि इसके ऊपर टेक्स्चर दिया हुआ है जिसे छूते ही आपको पता चल जाएगा कि यह पावर बटन है। ऊपर वॉल्यूम रॉकर भी दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पर सब कुछ है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ नहीं है। और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियो जैक मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है और माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। स्पीकर जो है वो पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये देखिए। यहाँ पर ये 5.45 इंचेस का स्क्रीन है, HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इस पर 2.5D कर्व ग्लास नहीं है। आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का एक्सपीरियंस मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस हैंडसेट पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए फेस अनलॉक, पावर बटन को प्रेस करते ही कुछ ही समय के बाद मेरा जो फेस है डिटेक्ट कर लेता है और अनलॉक हो जाता है। तो ये सुविधा दी गई है, इतना फास्ट नहीं है लेकिन अच्छी तरीके से काम कर लेता है। ये देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये देखिए फेस अनलॉक। अब ये हैंडसेट आप 2GB रैम, 16GB रोम या फिर 3GB रैम, 32GB रोम के साथ में खरीद सकते हैं। इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और दोनों फ्रंट और रियर कैमरा के लिए आपको LED फ्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो बैक है ये प्लास्टिक का है और आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बैक पैनल को रिमूव कर दिया है और अंदर आपको मिलेगा 3050 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि बैटरी को रिमूव करने की कोशिश मत कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 SIM स्लॉट्स मिलते हैं और साथ में एक microSD कार्ड स्लॉट भी है जहाँ पर आप 128GB microSD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो हैंडसेट है आप इस पर 2 SIM और एक microSD कार्ड एक साथ उपयोग कर पाएंगे। इस हैंडसेट में मीडियाटेक 6739 क्वाड कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। 3 सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी। और ये जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का ये डुअल वोल्टेज सपोर्ट करता है, मतलब कि आप 2 रिलायंस Jio के सिम एक साथ इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे। ये शॉट मैंने रियर कैमरे से खींचा हुआ है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है ये और इसमें आपको बोके ऑप्शन नहीं मिलता है। और आगे की तरफ है 8 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा
और ये जो फ्रंट कैमरा है ये आपको बुके स्टाइल फोटो खींच सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फोटो इसने खींच लिया है, और खास करके इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2, जो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन लग रहा है, और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो मैंने टाइटल में मेंशन किया हुआ है। तो ये हैंडसेट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।